मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी में मैं महिपाल सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। अपन ने डिस्कस किया कि जो एप्लास्टिक एनीमिया या हाइपोप्लास्टिक जो कंडीशन है वो किस वजह से हो रहा था, जो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल थी वहाँ पर क्या हो रहा था, डिप्रेशन आ रहा था, जेनेटिकली अल्ट्रेशन आ रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, कोई अल्ट्रेशन हो रहा था। अल्ट्रेशन क्या था, जेनेटिक अल्ट्रेशन, जिसकी वजह से क्या, और ये जेनेटिक अल्ट्रेशन कोज करने वाले जो कारण था वो क्या था, एनवायरमेंटल इंसर्ट था। और एनवायरमेंटल इंसर्ट में अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे केमिकल, रेडिएशन और वायरस ये सब मिलके क्या करते हैं, एनवायरमेंटल इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा था अपन को, जो जेनेटिकली अल्ट्रेशन देखने को मिल रहा था कॉमन जो माइलोइड स्टेम सेल उसके अंदर। तो जेनेटिक अल्ट्रेशन की वजह से दो कंडीशन पैदा हो रही थी, एक तो हो रहा था हाइपोप्रोलीफेरेशन, एक हो रहा था इजीली या सिंपली डिस्ट्रक्शन। ठीक है, एक हो रहा था हाइपोप्रोलीफेरेशन, एक हो रहा था इजीली या सिंपली डिस्ट्रक्शन। हाइपोप्रोलीफेरेशन में अपन ने देखा कि हाइपोप्रोलीफेरेशन में क्या हो रहा है, जो सेलुलर डिविज़न हो रही है वो कम हो रहा है। कहाँ पर, जो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल है वहाँ पर क्या हो रहा है, डिविज़न हो रहा है, वो कम हो रहा है। और डिविज़न कम होने की वजह से क्या हो रहा था, जो इस कॉमन माइलोइड स्टेम सेल से जो बनने वाली प्रीकर्सर सेल है वो नहीं बन पा रही थी। और जब ये जो इनसे बनने वाली प्रीकर्सर सेल है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, अगर तीनों ही नहीं बनेगी तो कंडीशन आएगी पान साइटोपिनिया। और किस वजह से हो रही थी, एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन की वजह से। तो अपन ने उसको बोला एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक पान साइटोपिनिया। हाइपोप्रोलीफेरेशन में अपन ने देखा कि यहाँ पे जो कारण था हाइपोप्रोलीफेरेशन का वो क्या कारण था, जेनेटिक म्यूटेशन। जीन के अंदर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। अब देखो, जीन के अंदर म्यूटेशन किस वजह से हो रहा है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ है। एक है जो प्रोलीफेरेशन को बढ़ाता है, एक जीन जो प्रोलीफेरेशन को बढ़ाता है जिसको अपन प्रोटो ऑनकोजीन के नाम से जानते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोटो ऑनकोजीन है उसके अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब प्रोटो ऑनकोजीन जो प्रोलीफेरेशन को बढ़ाता है उसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो प्रोलीफेरेशन स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सेलुलर डिवीज़न होगा वो कम होगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो ट्यूमर सप्रेशन जीन है उसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेशन जीन जिसका नॉर्मल काम क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज सेलुलर प्रोलीफेरेशन, तो ये क्या कर रहा था, प्रोलीफेरेशन को घटा रहा था। और इसका लेवल अगर बढ़ गया तो प्रोलीफेरेशन और ज़्यादा हद तक घट जाएगा। तो इस वजह से अपन को देखने को मिल रहा था डिक्रीज नंबर्स ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोलीफेरेशन नहीं हो रहा, कॉमन जो माइलोइड स्टेम सेल है वहाँ पे प्रोलीफेरेशन नहीं हो रहा, जिससे इनके नंबर डिक्रीज हो गए, एक कंडीशन। दूसरा, सिंपली डिस्ट्रक्शन, किस वजह से, जेनेटिकली अल्ट्रेशन की वजह से सिंपली डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सिंपली डिस्ट्रक्शन किस वजह से हो रहा है, जेनेटिकली अल्ट्रेशन की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, जो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल है उसके ऊपर क्या हो गया, नियो एंटीजन। देखो, नियो का मतलब न्यू, एंटीजन का मतलब एक एंटीजन। तो अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ अगर न्यू होती है तो उसके अगेंस्ट अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक एंटीजन के अगेंस्ट जैसा रेस्पॉन्स करता है वैसा ही रेस्पॉन्स यहाँ पे करेगा। तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, और ये नियो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। और यहाँ पे स्टिमुलेट कौन होता है, टी हेल्पर वन सेल। जो टी हेल्पर वन सेल है वो दो सबस्टांस रिलीज करती है, फर्स्ट था ट्यूमर नेक्रोटीन फैक्टर, और दूसरा था अल्फ़ा ट्यूमर फैक्टर। तो ट्यूमर नेक्रोटिन फैक्टर और अल्फ़ा ट्यूमर फैक्टर जो क्या करेंगे, इजीली या सिंपली डिस्ट्रॉयड कर देंगे इसको, कॉमन माइलोइड स्टेम सेल को, जिसकी वजह से अपन को देखने को मिल रहा था क्या, क्या देखने को मिल रहा था, एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन। ठीक है, तो ये तो बात हुई कल के बारे में। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके कोजेज के बारे में, कि जो इसका जो कोज होता है वो क्या होता है, किस वजह से एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन अपन को देखने को मिलती है, तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके देखो, अगर नॉर्मल अगर अपन बात करें कोजेज की, तो कोजेज यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं,
कोजेज हो सकते हैं एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक एनीमिया के। जो फर्स्ट कोज की अगर बात करें तो फर्स्ट कोज होता है इनहेरिटेड, फर्स्ट कोज होता है इनहेरिटेड, इनहेरिटेड, और सेकंड वन होता है एक्वायर्ड, सेकंड वन होता है एक्वायर्ड। मोस्टली अपन को देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, एक्वायर्ड कोज ही अपन को देखने को मिलेगा। जो मोस्टली देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, एक्वायर्ड कोज ही देखने को मिलेगा। कि जो एप्लास्टिक कंडीशन या जो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल के अंदर जो डिप्रेशन की कंडीशन या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन आ रही है वो किस वजह से आ रही है, एक्वायर्ड कोजेज की वजह से, ना कि किसी प्रकार के जेनेटिक कोजेज की वजह से। ये मोस्टली अपन को देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर सबसे पहले अपन बात करें इनहेरिटेड के बारे में तो इनहेरिटेड के अंदर अपन को देखने को मिलता है फानकोनीज सिंड्रोम, इनहेरिटेड के अंदर अपन को देखने को मिलता है फानकोनीज सिंड्रोम। देखो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इलनेस, ग्रुप या फिर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इलनेस या फिर ग्रुप ऑफ डिजीजेज या फिर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इलनेस, ग्रुप ऑफ इलनेस या ग्रुप ऑफ डिजीजेज या फिर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो फानकोनीज सिंड्रोम अपन को देखने को मिलता है। नॉर्मली ये पाया नहीं जाता, बहुत ही रेयर केस में फानकोनीज सिंड्रोम देखने को मिलता है। ये मोस्टली जो किडनी वगैरह होता है उसको अफेक्ट करता है या आई को अफेक्ट करता है, बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सिस्टीन होता है सिस्टीन का क्या नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सिस्टिनोसिस हो जाता है, और यहाँ पे अपन को सिस्टीन जो डिप्लेटिंग ड्रग है या मेडिसिन है वो प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा जो फानकोनीज सिंड्रोम है यहाँ पे रीनल फेलियर के केसेस भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन क्या है फानकोनीज सिंड्रोम में, एक तो यहाँ पे क्या होगा हाइपोप्रोलीफेरेशन होगा, एक तो क्या होगा यहाँ पे हाइपोप्रोलीफेरेशन होगा, हाइपोप्रोलीफेरेशन होगा, किसका होगा हाइपोप्रोलीफेरेशन, कहाँ का किसका होगा, कॉमन जो माइलॉइड स्टेम सेल है इसका क्या होगा हाइपोप्रोलीफेरेशन। मतलब में इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो इसमें डिवीज़न होना चाहिए, जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल से, जिसके बाद में वो प्रिकर्सर सेल बनती है और अदर जो ब्लड सेल्स से फॉर्म्ड एलिमेंट बनते हैं वो नहीं बन पाएंगे, किस वजह से हाइपोप्रोलीफेरेशन की वजह से। तो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल में हाइपोप्रोलीफेरेशन। जो दूसरी कंडीशन है वो क्या होगा, डिफेक्ट इन द, दूसरी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, डिफेक्ट इन द, इन द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, डिफेक्ट इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। और जो थर्ड वन है वो क्या होगा, हाइपोप्लेजिया, कि डीएनए की जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो डिफेक्ट हो जाएगी, वो अल्टर्ड हो जाएगी। और जो थर्ड कंडीशन है वो क्या होगा, हाइपोप्लेजिया होगा, हाइपोप्लेजिया होगा। सेल के नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कहाँ पे, इन द किडनी स्प्लीन एंड बोन्स ऑफ और किसकी बोन में, बोन्स ऑफ थंब एंड रेडाई, जो रेडियल बोन है या थंब की जो बोन होगी इसमें हाइपोप्लेजिया होगा। इसके अलावा जो किडनी है या फिर जो स्प्लीन है वहाँ पे आपको हाइपोप्लेजिया कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये तो क्या है, फानकोनीज सिंड्रोम इनहेरिटेटेड, जो जेनेटिकली कोज है, जेनेटिकली किस वजह से बोन मेरो डिप्रेशन हो सकता है, तो उसका कारण क्या है, फानकोनी सिंड्रोम। क्योंकि फानकोनी सिंड्रोम जिसमें होगा उसमें क्या होगा, हाइपोप्रोलीफेरेशन होगा, कहाँ पे, कॉमन माइलोइड स्टेम सेल में। तो इस वजह से अपन को पान साइटोपीनिया की कंडीशन देखने को मिलती है, या जो हाइपोप्लास्टिक या एप्लास्टिक पान साइटोपीनिया देखने को मिलता है। और दूसरा जो कॉमन कोज है वो है एक्वायर्ड, दूसरा जो कोज है एक्वायर्ड, जो कि मोस्टली या
अधिकतर जो अपन केसेस देखते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के, उनमें अपन को देखने को मिलता है। तो उसके अंदर अपन को ये देखने को मिलेगा। उसके अंदर ही भी अगर बात करें तो फर्स्ट वन है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है? इट इज़ बीइंग, इट इज़ हैपनिंग, बट वी डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपन। हमको पता है कि क्या हुआ, ये डिजीज़ हुई या फिर ये कंडीशन अराइज हुई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किस वजह से अराइज हुई। वी नो द डिजीज़ इज़ बीइंग या डिजीज़ इन प्रोसेड, बट वी डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपन, व्हाई इट इज़ बीइंग, ये किस वजह से हो रही है या किस वजह से ये हुई है, ये हमें नहीं पता। हम इतना जानते हैं कि डिजीज़ होती है, ठीक है। तो ये क्या है? इडियोपैथिक। यहाँ पे अपन देखते हैं इडियोपैथिक, और मोस्टली इडियोपैथिक ही होता है इसका खोज। मोस्टली जो 65% होता है वो इडियोपैथिक ही होता है। 65% क्या होता है? इडियोपैथिक केस ही होता है, कि जो टोटल केसेज है किसके, एप्लास्टिक एनीमिया के, उसमें मैक्सिमम केस क्या है, एक्वायर्ड के कोज है, मैक्सिमम जो कोज है उनमें भी 65% इडियोपैथिक होते हैं, कि उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो किस वजह से हुआ। हमें इतना पता है कि ये डिजीज़ हुई है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये डिजीज़ किस कारण की वजह से हुई है, ठीक है। और इसके पीछे जो थ्योरी लगाई जाती है वो क्या है, वो थ्योरी क्या है, इम्यूनो, जो इडियोपैथी के कोच के पीछे जो थ्योरी लगाई जाती है मोस्टली, वो माना जाता है इम्यूनो सप्रेशन ऑफ कॉमन माइलोइड स्टेम सेल। इसके अंदर जो थ्योरी लगाई जाती है मोस्टली वो क्या है, इम्यूनो सप्रेशन, कि जो इम्यूनोलॉजिकल सप्रेस्ड हो जाता है, कौन, जो माइलोइड स्टेम सेल है वो क्या हो जाती है, इम्यूनोलॉजिकल क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। इसके अलावा इडियोपैथिक के अलावा अगर अपन बात करें, और कोजेज के बारे में, इडियोपैथिक के अलावा अगर दूसरा कोज की बात करें तो वो क्या होगा, केमिकल कोजेज। दूसरा कोज क्या होगा, केमिकल कोजेज। किसके अंदर बात करें, एक्वायर्ड के अंदर। एक्वायर्ड के अंदर जो दूसरा कारण है वो केमिकल कोजेज है, और केमिकल कोजेज में मेनली क्या आता है, अपने बात क्या था कि ड्रग्स या टॉक्सिन्स आते हैं, तो यहाँ पर ड्रग्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पर क्या होता है, ड्रग्स की वजह से क्या हो रहा है, एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन जो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल के अंदर अपन को देखने को मिलती है। और ये ड्रग्स के अंदर मोस्टली क्या होता है, डोज रिलेटेड होता है। एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन किस वजह से होती है, ड्रग्स की वजह से हो रही है, और ड्रग्स में भी क्या, डोज रिलेटेड, कि अपन को पता है कि ये ड्रग्स क्या करती है, एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन पैदा करती है जब हाई डोज के अंदर ये ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, तो ये क्या कर सकती है, एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन बोन मेरो के अंदर कर सकती है। तो डोज रिलेटेड क्या होगा, डोज रिलेटेड कंडीशन होगी, डोज रिलेटेड कंडीशन या डोज रिलेटेड बोन मेरो डिप्रेशन, बोन मेरो डिप्रेशन। दूसरी बात करें, ये क्या होता है, जो डोज रिलेटेड होती है वो क्या होती है, प्रिडिक्टेबल होती है। प्रिडिक्टेबल का मतलब वी नो व्हेन वी विल इंक्रीज द अमाउंट और डोज ऑफ द ड्रग, देन इट मे कोज द डिप्रेशन ऑफ द माइलोइड स्टेम सेल और द बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। मतलब अपन को पता है कि वो ड्रग जो कि क्या कर रही है, बोन मैरो डिप्रेशन कर रही है, किस वजह से, हाई डोज एडमिनिस्टर करने की वजह से। हम जानते हैं
और ये जो डोज रिलेटेड जो होता है बोन मैरो डिप्रेशन या इम्यूनोसप्रेशन, तो उसमें क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि वापस रिवर्ट बैक, जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें ले जाया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही उस ड्रग्स की डोज घटाते हैं तो क्या होता है, जो डिजीज़ कंडीशन है या फिर जो एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन है, कहाँ पे? कॉमन माइलोइड स्टेम सेल या बोन मेरो के अंदर, वो सही हो सकती है, वो क्योर हो सकती है। तो ये ड्रग कौन कौन सी है, इसके बारे में अपन एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ऐसी ड्रग्स कौन कौन सी है जो कि डोज रिलेटेड क्या कर रही है, माइलो सप्रेशन, कॉमन माइलोइड स्टेम सेल का सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रग्स है उस ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रग्स आती है वो आती है एल्काइल लेटिंग एजेंट। एल्काइल लेटिंग एजेंट, देखो एल्काइल जो लेटिंग एजेंट है वो क्या है, एक प्रकार की क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। किसके? एंटी जो न्योप्लास्टिक जो ड्रग्स हैं उनके अंदर आता है, जो एंटी कैंसर ड्रग्स है उनके अंदर एक क्लासिफिकेशन है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। अगर एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स आती है, यहाँ पे ड्रग्स आती है आई फोस्फेमाइड, इसके अलावा आती है साइक्लोफोस्फेमाइड, आई फोस्फेमाइड, साइक्लोफोस्फेमाइड और सिस प्लाटीन। ये जो तीन ड्रग है वो एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर आती है। दूसरी जो ड्रग्स है जो क्या करती है, माइलो सप्रेशन करती है, वो भी सी कैटेगरी से, किस कैटेगरी से, एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स में से ही, वो है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट के अंदर आता है जो ड्रग्स आती है वो है गेमसीटाबीन। इसके अलावा आती है केपेसिटाबीन, और जो थर्ड ड्रग है वो क्या है, 5FU अर्थात 5-फ्लूरोयूरेसिल। तो यहाँ पे तीन ड्रग्स आती है एंटी मेटाबोलाइट, जो एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग के अंदर ये एक कैटेगरी है, जिसके अंदर आती है गैमसीटाबीन, केपेसिटाबीन और 5FU। और जो थर्ड जो ड्रग है या मेडिसिन है जो कोज करती है, वो थर्ड मेडिसिन क्या है, जो थर्ड मेडिसिन कोज करती है क्या, माइलो सप्रेशन, उसके अंदर आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम में ली जाती है माइक्रोबियल एजेंट को किल करने के लिए, एंटी माइक्रोबियल के रूप में लिया जाता है, काफ़ी सारे बैक्टीरियाज के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है क्लोराम्फेनिकॉल, जो जिसका साइड अपन ने टेरेटोजेनिक इफेक्ट पड़ा था ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्लोराम्फेनिकॉल एक ऐसी ड्रग्स है जो कि डोज रिलेटेड माइलो सप्रेशन भी करती है और इडियोसिंक्रेटिक माइलो सप्रेशन भी करती है, कि ये हाई डोज देने पे माइलो सप्रेशन कर सकती है और डोज रिलेटेड भी नहीं है। आइडियोसिंक्रेसिस में अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन ने तीन ड्रग पढ़ा, फर्स्ट वन था एल्काइलेटिंग एजेंट, सेकंड वन है एंटी मेटाबोलाइट, थर्ड वन है क्लोराम्फेनिकॉल, और फोर्थ वन अगर बात करें तो इसमें इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक आर्सेनिकल्स, क्या है इनऑर्गेनिक आर्सेनिकल्स, ये क्या करती है, चार ड्रग है जो कि क्या कोच करती है, डोज रिलेटेड माइलो सप्रेशन, कि इनकी अगर हाई डोज दी गई तो ये क्या कर सकती है, माइलोइड स्टेम सेल को क्या कर सकती है, सप्रेस कर सकती है या डिप्रेस कर सकती है। तो अपन ने पहली जो ड्रग है एल्काइलेटिंग एजेंट, जो कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स के कैटेगरी के अंदर ही आती है, जिसके अंदर अपन ने बात की आईफोस्फेमाइड, साइक्लोफोस्फेमाइड और सिसप्लाटीन के बारे में। सेकेंड वन जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है उसी के अंदर एक कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट्स, जिसके अंदर गैमसिटाबिन, कैपेसिटाबिन और 5-FU अर्थात 5-फ्लोरोयूरेसिल आती है। दूसरा जो अपन एक्वायर्ड कोच के अंदर ही बात करें उसमें आता है इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी मतलब ये डोज रिलेटेड नहीं होता, इवन ऑन ए लिटिल डोज इट मे कोज द कॉमन माइलोइड स्टेम सेल डिप्रेशन। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, थोड़ी अमाउंट के अंदर ही क्या कर देंगे, स्टेम सेल को डिप्रेस्ड कर देंगे। तो सेकंड वन क्या है, केमिकल के अंदर फर्स्ट वन पड़ा डोज रिलेटेड, सेकंड वन है इडियोसिनक्रेसी, इडियोसिनक्रेसी के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, कि ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता, मतलब इवन ऑन लिटिल डोज इट में कोज क्या, माइलो सप्रेशन, कि बहुत कम डोज के ऊपर ही ये क्या कर सकती है, माइलोइड स्टेम सेल को सप्रेस कर सकती है, इस वजह से ये प्रिडिक्टेबल नहीं होता कि किस डोज पे ये करे, ज़रूरी नहीं कि हर बार ही करे, कभी कभार रेयर केस में ये कर सकती है क्या, माइलो सप्रेशन। इसके अलावा ये क्या होगा, इरिवर्सिबल कंडीशन होगी, अगर लिटिल डोज पे हो रहा है ऐसा तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। जो इडियोसिनक्रेसी में अपन ने पढ़ा कि ये डोज रिलेटेड नहीं है, ये कुछ लिटिल अमाउंट या लिटिल डोज अगर ड्रग की एडमिनिस्टर की जाती है तो वहाँ पर भी क्या कर सकती है, ये कॉमन जो माइलोइड स्टेम सेल है उसका सप्रेशन कर सकती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके बारे में तो यहाँ पे क्या है, ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ही सप्रेशन करें। ठीक है, इसके अलावा ये इरिवर्सिबल कंडीशन होती है कि इसमें जो माइलोइड स्टेम सेल में जो सप्रेशन या बोन मेरो जो सप्रेशन है वो परमानेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर कारण की बात करें तो जो दो नंबर का फर्स्ट नंबर था इनहेरिटेंट कोज, सेकंड वन अपन ने पढ़ा कि केमिकल में डोज रिलेटेड और इडियोसिनक्रेसी। थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन है फिजिकल के अंदर क्या है, रेडिएशन। थर्ड वन है फिजिकल के अंदर क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन भी क्या है, डोज रिलेटेड है, ये भी क्या है, डोज रिलेटेड, कि ये क्या करता है, डोज रिलेटेड माइलो सप्रेशन करता है, कि अगर ज़्यादा रेडिएशन अगर ज़्यादा दी गई, रेडिएशन अगर ज़्यादा है तो क्या कर सकती है, ये माइलो सप्रेशन कर सकती है, और जैसे ही डोज को घटाया गया ये क्या है, रेडिएशन की डोज जैसे ही घटाया तो इसने क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया किसको, जो सपरेशन की कंडीशन उसको नॉर्मल कर दिया, कि अब सपरेशन नहीं है, जो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल या बोन मेरो के अंदर जो सपरेशन था वो अब नहीं है। जैसे ही अमाउंट बढ़ाया तो इसने माइलो सपरेशन किया, अमाउंट जैसे ही घटाया तो वापस
ये रिवर्ट बेक हो गया, ठीक है। और अगर रेडिएशन फिजिकल पढ़ लिया, तीन नंबर कोज जहाँ पे अपने रेडिएशन को डोज रिलेटेड बताया कि ज़्यादा डोज दी जाती है रेडिएशन की तो ये माइलो सप्रेशन करता है, और डोज को घटा दिया जाए तो ये वापस माइलो सप्रेशन को सही कर देता है कि अब माइलो सप्रेशन नहीं है। और लास्ट वन है जो फोर्थ कोज है वो क्या है, वायरसेज, जो क्या कर सकते हैं वायरसेज, क्या कर सकते हैं एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक कंडीशन कर सकते हैं, किसमें, कॉमन माइलोइड स्टेम सेल या बोन मेरो के अंदर। तो वायरसेस के अंदर बात करें तो इसके अंदर आता है एब्सटीन बार वायरस, एब्सटीन बार वायरस। इसके अलावा अगर अपन बात करें एब्सटीन बार वायरस के अलावा तो दूसरा है यहाँ पे एब्सटीन बार वायरस साइटोमेगाली वायरस, दूसरा है जो क्या है साइटोमेगाली वायरस। ये दो वायरस क्या कर सकते हैं, जो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल उसमें सप्रेशन या डिप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके कोजेज के बारे में। अब अपन बात करते हैं इसके साइंस सिम्टम्स के बारे में कि कॉमन जो माइलोइड स्टेम सेल है उसके अंदर अगर सप्रेशन है तो साइंस सिम्टम्स क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर बात करें क्या हो रहा है, जो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल है, जो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल है, ये क्या है कॉमन माइलोइड स्टेम सेल, ये स्टेम सेल क्या करती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती है, प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती है। जब सेपरेशन होगा तो क्या होगा, आरबीसी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, प्लेटलेट भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तीनों का लेवल अगर एक साथ डिक्रीज होता है तो उसको अपन ने क्या बोला, पान साइटोपीनिया, पान साइटोपीनिया की डिक्रीज नंबर ऑफ ऑल थ्री ब्लड सेल्स इज नोन एज पान साइटोपीनिया, ठीक है। अब अगर आरबीसी का लेवल डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ एनीमिया, क्या हुआ एनीमिया। अब एनीमिया में क्या साइन सिम्टम्स अपन को दिखाई देता है, स्किन का कलर पेलर, स्किन का कलर पेलर। इसके अलावा इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, जो एक्सर्शनल डिसनिया, एक्सर्शनल डिसनिया का मतलब जब अपन क्या कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं, जब भी अपन वर्क परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त अपन को देखने को क्या मिलता है डिसनिया, अर्थात डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ। ये किस वजह से होता है, एनीमिया है मतलब हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, तो वो कैरियर कम है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं कहाँ से, एल्वोलाई से, और उसको पहुँचाते कहाँ तक है जो सेल्स की जो कैपिलरी बेड तक। अब क्या हुआ ऑक्सीजन तो मिल रही थी लेकिन क्या हुआ हीमोग्लोबिन या आरबीसी कम है, ठीक है। अब बॉडी कंपनसेट करेगी, बॉडी सोचेगी कि कहीं बाहर से ऑक्सीजन तो कम नहीं मिल रही, तो क्या होगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ेगी, तो यहाँ पे अपन को डिसनिया भी देखने को मिलेगा, टेकीपिनिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव वीकनेस देखने को मिलेगी, प्रोग्रेसिव वीकनेस देखने को मिलेगी, प्रोग्रेसिव वीकनेस अपन को देखने को मिलेगी, क्या था स्किन पेलर, एक्सर्शनल डिसनिया, प्रोग्रेसिव वीकनेस, ये तीन जो मेन सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिथार्जी भी देखने को मिल सकता है, और भी जैसे ऑक्सीजन की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो अपन को साइनोसिस भी देखने को मिल सकता है, या फिर जो अपन को जो मूड में चेंजेस भी देखने को मिल सकता है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है जो अपनी अगर आयरन की कमी हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो हो सकता है आगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी हो जाए, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है रेड बफी टंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का काउंट जब डिक्रीज होता है तो अपन को क्या देखने को मिलेगा रिकरेंट फ्रीक्वेंट, बार बार अपन को देखने को मिलेगा इन्फेक्शन। WBC जब नहीं होगा
तो ये क्या हो करता है, बॉडी को प्रोटेक्शन करती है इन्फेक्शन से। जब ये नहीं होगा तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी बॉडी और रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार अपन को देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन प्लेटलेट का काउंट जब डिक्रीज होगा, प्लेटलेट का काउंट जब डिक्रीज होगा तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, प्लेटलेट अगर कम है तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, अपन को देखने को मिलेगा पटेची। पटेची इकाइमोसिस, ये दरअसल ब्लीडिंग लीजन होते हैं, ब्लीडिंग लीजन की प्लेटलेट का काउंट अगर डिक्रीज है तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज अपन को देखने को मिलती है, ब्लीडिंग लीजन अपन को देखने को मिलता है जिसके अंदर पटेची और इकाइमोसिस। जब ब्लीडिंग लीजन का डायामीटर 0 से 2 mm का है तो क्या है पटेची है, 2 to 10 mm है तो क्या है 8 to 10 mm है या 10 mm से अबव तो वो क्या है इकाइमोसिस। लार्ज ब्लीडिंग लीजन को अपन क्या बोलते हैं इकाइमोसिस। तो पटेची, इकाइमोसिस, ब्लीडिंग टेंडेंसी ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर बता देता हूँ, अपन बात कर रहे थे एप्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक एनीमिया के बारे में, जहाँ पे अपन ने देखा कि कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल में अफेक्ट हो रहा है, वहाँ पे अल्ट्रेशन हो रहा है, जेनेटिक अल्ट्रेशन हो रहा था जिसकी वजह से वहाँ से जो बनने वाली सेल्स है वो नहीं बनेगी, जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों नहीं बनेगी, तीनों की वजह से ये साइन सिम्टम्स जो अपन ने डिस्कस किए वो देखने को मिलेगा और ये कंडीशन होगी उसको पैनसाइटोपिनिया बोला गया। जेनेटिकली अल्ट्रेशन का जो कारण था उसके बारे में बताया कि यहाँ पे अल्ट्रेशन का कारण क्या है, एनवायरमेंटल इंसल्ट था। एनवायरमेंटल इंसल्ट में अपन ने बात किया कि केमिकल, फिजिकल रेडिएशन, केमिकल में ड्रग्स और टॉक्सिन्स, और इसके अलावा अपन ने बात किया कि कोई भी जो वायरस है एप्स्टीन वायरस या साइटोमेगाली वायरस वो कोज करते हैं एनवायरमेंटल इंसल्ट, जिससे जेनेटिकली क्या हो रहा था वहाँ पे अल्ट्रेशन हो रहा था और जिस वजह से अपन को हाइपोप्रोलीफेरेशन और दूसरी जो कंडीशन थी क्या सिंपली डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये थी अपनी डिजीज़ जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।